हेलो एवरीवन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के द्वारा जो बिजनेस में फर्म में जो कैपिटल लगाया गया उस पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट, ये फर्म के लिए खर्च है जबकि पार्टनर्स के लिए इनकम है। पर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाता है जब इसके लिए पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है, मतलब पार्टनरशिप डीड में इस बात पर सहमति बनी है सभी पार्टनर्स के बीच कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म द्वारा पार्टनर्स को दिया जाएगा। तो उस संबंध में अलग अलग तरह के सवाल रहते हैं जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का रहता है, तो उसी पे हम लोग दो तीन सवाल देखते हैं और उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके देखते हैं। तो जैसे पहला ये सवाल है, राजेंद्र एंड राधे आर पार्टनर्स, दे हैड ₹40,000 एंड ₹60,000 इन कैपिटल अकाउंट। राजेंद्र और राधे पार्टनर है जिनका कैपिटल राजेंद्र का 40,000 और राधे का 60,000, ठीक है, और 1 अप्रैल 2021 मतलब बिगनिंग ऑफ द ईयर 1 अप्रैल 2021 को जो कैपिटल है ये दिया हुआ कैपिटल का बैलेंस साल के शुरू में कितना, 40,000 राजेंद्र का, 60,000 राधे का। राजेंद्र पेड इन फर्दर ₹5,000 ऑन 1 नवंबर 2021। अच्छा, राजेंद्र आगे फिर आगे जाकर उसी साल नवंबर में ₹5,000 और फिर उसके बाद 15 फरवरी 2022 को ₹6,000 और कैपिटल लगाता है। बात समझ में आया? कंप्यूटर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एन। तो राधे का कैपिटल तो सिंपल है, जो 60,000 है वो पूरे साल 60,000 उस पर से इंटरेस्ट निकाल देना, 60,000 पे 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। और राजेंद्र को जो दिया जाएगा 40,000 पे तो दिया ही जाएगा, उसके अलावा भी फिर आगे जाकर वो कैपिटल लगा रहा है अलग अलग महीने में, तो उस पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का दिया हुआ ही है, तो पहले राजेंद्र का ही कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन राजेंद्र कैपिटल, तो भाई 40,000 जो है बिल्कुल साल के शुरू से है, इस पे पूरे साल का इंटरेस्ट होगा 40,000 मल्टीप्लाई कितना इंटरेस्ट 6%, तो इस पे इंटरेस्ट हो गया ₹2,400। उसके बाद अगला जो वो लगा रहा है कब लगा रहा है, 1 नवंबर 2021 को वो 5,000 फिर लगा रहा है, तो नवंबर से लेकर मार्च तक ये 5,000 पे जो इंटरेस्ट होगा नवंबर टू मार्च, क्योंकि नवंबर 1 को ही वो लगा रहा है, तो नवंबर से मार्च तक कितने महीने होंगे, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने, ठीक है, तो नवंबर टू मार्च कितना 5,000, इस पे 6% लेकिन 5 मंथ के लिए, पूरे साल के लिए नहीं, पूरे साल के लिए 40,000 पे किया गया, अब इसे इस पे कितने मंथ के लिए, तो वही 5 मंथ के लिए, इसलिए 5/12 किया 0000 तो ये जो 5,000 पे जो इंटरेस्ट मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कितना होगा ₹125, क्योंकि सिर्फ 5 महीने के ही दिए ये इस कैपिटल पे 5,000 कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया। और उसके बाद फिर वो लगा रहा है ₹6,000, कब लगा रहा है 15 फरवरी 2022 को, तो भाई यहां पे क्या होगा 15 फरवरी से टू मार्च यहां पे कितने मंथ होंगे भाई 1.5 मंथ, क्योंकि फरवरी आधा निकल गया, 15 फरवरी को लगाया गया 15 फरवरी, तो फिर फरवरी आधा बचा और मार्च का पूरा 1 महीना, तो 1.5 महीने के लिए इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ₹6,000, ठीक है, तो 6,000 मल्टीप्लाई 6/100 मल्टीप्लाई 1.5 महीने को 1.5 देख सकते हैं बाय 12, ठीक है, तो इसको भी करते हैं 0000 ये किया तो 30 से कट गए, तो इस पे
जो 6000 रुपए है, इस पे डेढ़ महीने के इंटरेस्ट कितना बना, तो 45। इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो राजेंद्र को मिल रहा है कितना मिल रहा है, तो 2570 रुपीज जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा राजेंद्र को। और राधिका जो है तो बड़ा ही आसान है, सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन राधेज कैपिटल तो कितना भाई उसका कैपिटल है 60,000। इसके अलावा वो आगे बढ़कर फिर कैपिटल उस साल नहीं लगा रहा, बस 60,000 है। 60,000 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर देना, 60,000 मल्टीप्लाई 6/100 तो 3600। तो ये एक सवाल देखा, अब अगला सवाल देखते हैं। अब ये देखते हैं अगला सवाल, मीनाक्षी एंड एकता आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल ऑफ 31st March 2022 वेयर ₹360,000 एंड ₹250,000। अच्छा ये एंड ऑफ द ईयर है, कैपिटल जो दिया हुआ, इसके पहले वाले जो सवाल में अभी जो हम लोगों ने बताया उसमें बिगनिंग का कैपिटल दिया हुआ था, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था कैपिटल का, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस एंड ऑफ द ईयर क्या कैपिटल है वो दिया हुआ है। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, उसी पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। आगे देखते हैं, ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग्स ऑफ मीनाक्षी एंड एकता वेयर ₹60,000 एंड ₹50,000। साल के दौरान जो ड्रॉइंग्स था पर मीनाक्षी का और एकता का, मीनाक्षी का था 60,000, उसने ड्रॉइंग्स किया था और एकता ने किया था 50,000। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट था साल का वो था 2,40,000, 2,40,000। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2022। मैंने बताया कि हमें पहले, इसलिए कि यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, एंड ऑफ द ईयर जो कैपिटल है वो दिया हुआ है, तो हमें बिगनिंग का, साल के शुरू का कैपिटल निकालना पड़ा है, क्योंकि ये जो कैपिटल दिया हुआ है इसमें प्रॉफिट वगैरह जो भी है सारा एडजस्ट होकर, ये कैपिटल ड्रॉइंग्स प्रॉफिट ये सारा एडजस्ट होकर ये कैपिटल दिख रहा है, मतलब ड्रॉइंग्स जो था वो भी घट चुका है, प्रॉफिट जो था वो भी जुड़ चुका है, वो सब होने के बाद ये कैपिटल दिख रहा है। तो हमें पहले बिगनिंग का कैपिटल निकालना होगा, ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो इस तरह से निकाल लेंगे। ये मीनाक्षी है, मीनाक्षी, और ये क्या नाम है दूसरा, एकता, ठीक है, इसका कैपिटल निकालेंगे। तो भाई कैपिटल एज ऑन 31st March 2022 को, मतलब क्लोजिंग कैपिटल जो है कितना है 3,60,000 और 2,50,000। अब करना क्या है, इसमें जो सारा जुड़ता है उल्टा करना है, रिवर्स, मतलब जो जुड़ता है, जो जोड़ते हैं प्रॉफिट को जोड़ते हैं तो उसे घटा देना है, निकाल देना है, और ड्रॉइंग्स को घटाते हैं तो उसे ऐड कर देना है, क्योंकि हमें ओपनिंग वाला कैपिटल चाहिए। तो क्या होता है कैपिटल में, ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट आया तो फर्म में हुआ तो उस प्रॉफिट को जोड़ दिया जाता है और ड्रॉइंग्स को घटा दिया जाता है, तो यहाँ पे उल्टा करना है तब जाकर हमारा ओपनिंग कैपिटल निकलेगा। तो क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स को ऐड कर देंगे और प्रॉफिट को लेस कर देंगे तो हमारा ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। तो ऐड करते हैं पहले ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स कितना कितना है भाई 60,000 मीनाक्षी का और एकता का है 50,000, इसे ऐड कर दिया तो हो गया कितना जोड़कर 4,20,000 और एकता का 3,00,000। अब इसमें से प्रॉफिट हमें डिडक्ट कर देना है, घटा देना प्रॉफिट। तो भाई प्रॉफिट के शेयरिंग के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो प्रॉफिट किस तरह बटेगा, तो इक्वली बटेगा। जब भी प्रॉफिट के शेयरिंग के बारे में कुछ नहीं बोला गया है सवाल में तो प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटते हैं। तो प्रॉफिट है कितना, प्रॉफिट है 2,40,000, इसे बराबर बराबर दोनों में बांटेंगे तो कितना होता है 1,20,000, 1,20,000 आधा आधा दोनों में बटा, लेकिन इसे क्या करना है घटाना है,
ठीक है, ड्रॉइंग्स को ऐड किया, प्रॉफिट को डिडक्ट करेंगे। तो करने के बाद हमारा ये जो कैपिटल मीनाक्षी का निकला बिगिनिंग ऑफ द ईयर 3 लाख, ठीक है, ये घटा रहा है इसलिए हमारे ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है, और ये हो गया 1,80,000, ये कैपिटल हो गया कब का भाई, तो कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2021 बिगनिंग ऑफ द ईयर ये कैपिटल है 3 लाख मीनाक्षी का और 1,80,000 इक्टर का। अब इस पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले मीनाक्षी का कर लेते हैं कैपिटल कैलकुलेट, इंटरेस्ट ऑन मीनाक्षी कैपिटल, तो कैपिटल कितना है 3 लाख, और फिर साल के बीच में जैसे कि अभी पीछे वाले सवाल में बीच में भी कैपिटल लगाया था तो वो सब तो है नहीं, यहाँ पे जो कैपिटल है सो है, एडिशनल कैपिटल कुछ लगाया नहीं गया, तो क्या करें, इंटरेस्ट ऑन मीनाक्षी कैपिटल, भाई मीनाक्षी का कैपिटल कितना है 3 लाख, तो 3 लाख का निकाल दिया कितना परसेंट, 10% पर एनम है, तो पूरे साल का 10% कर लेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन मीनाक्षी कैपिटल कितना 30,000, और इंटरेस्ट ऑन एक टास कैपिटल, उसका कैपिटल कितना 1,80,000, तो 1,80,000 का 10%, तो कितना हो गया इसका, इसका हो गया 18,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये इस तरह से हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया। अब ये देखते हैं अगला सवाल, सलोनी एंड सृष्टि आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2021 ₹2,00,000 और ₹3,00,000, सलोनी और सृष्टि पार्टनर है एक फर्म में और उनका कैपिटल 1 अप्रैल 2021 को यानी बिगनिंग ऑफ द ईयर कितना है 2,00,000 और 3,00,000, मतलब सलोनी का 2,00,000 सृष्टि का 3,00,000। ऑन 1 जुलाई 2021 सलोनी इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ₹50,000 एंड सृष्टि ₹60,000, और फिर आगे चलकर 1 जुलाई 2021 को सलोनी एडिशनल कैपिटल लगा रही है 50,000 और सृष्टि लगा रही है 60,000। ऑन 1 अक्टूबर 2021 1 अक्टूबर 2021 को सलोनी विड्रू ₹30,000 एंड ऑन 1 जनवरी 2022 सृष्टि विथड्रू ₹15,000। अब आगे 1 अक्टूबर 2021 को क्या हो रहा है, सलोनी निकाल ले रही है कैपिटल कितना 30,000 और 1 जनवरी 2022 को सृष्टि निकाल ले रही है 15,000 अपने कैपिटल में से। कंप्यूटर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 21-22 के लिए हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 1% पर है ना, तो पहले सलोनी का देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन सलोनीज कैपिटल, ठीक है, तो भाई शुरू में उसका कितना था 2,00,000, तो 2,00,000 का पूरा निकालते हैं 2,00,000 मल्टीप्लाई 8/100, तो कितना हो गया ये हो गया 16,000। उसके बाद जो एडिशनल कैपिटल वो लगा रही है जुलाई 2021 को लगा रही है कितना 50,000 जुलाई में लगा रही है, तो जुलाई से लेकर मार्च तक कितने मंथ हुए, तो ये है एडिशनल कैपिटल, ठीक है, कब से कब तक, जुलाई टू मार्च, जुलाई टू मार्च कितने मंथ हुए 9 मंथ, यहां पे लिख देता हूं 9 मंथ्स, ठीक है, तो कितना 50,000, तो 50,000 मल्टीप्लाई 8/100 रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% मल्टीप्लाई 9/12, 9 क्यों, चूंकि 9 मंथ के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, तो 3, 4, 2 बार में ये कट गया 0,000, तो हो गया ये 3,000। और आगे चलकर अक्टूबर में 1 अक्टूबर 2021 को सलोनी 30,000 रुपए निकाल लेती है अक्टूबर, तो ये क्या है ड्रॉइंग्स है ना, ये क्या है ड्रॉइंग्स ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग्स
नॉर्मल ड्रॉइंग्स नहीं है भाई, कैपिटल निकाल दे रही है, ड्रॉइंग्स ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो ये कब हो रहा है? अक्टूबर में हो रहा है। तो अक्टूबर टू मार्च, ठीक है, कितने मंथ होंगे? अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, सिक्स मंथ्स। तो कितना ये? 30,000 मल्टीप्लाई 8/100 मल्टीप्लाई 6/12, ठीक है। 0,0006 दो बार में कटा, दो से चार बार में वैसे करते हैं तो आता है ये 1200। इस 1200 को हम यहाँ पे डिडक्ट कर देंगे, 1600 + 3 = 19,000 निकल गया तो हो गया 17,800। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसका? सलोनी के कैपिटल का इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसी तरह देख लेते हैं सृष्टि का। तो अब देखते हैं यहां पे इंटरेस्ट ऑन सृष्टि कैपिटल, इसका शुरू में कितना था? 3,00,000 था। तो 3,00,000 पे पूरे साल का 8% 0,0,0,0 कितना हो गया? 24,000, ठीक है। उसके बाद इसका एडिशनल कैपिटल जुलाई, इसका ये भी जो एक्स्ट्रा कैपिटल लगा रही है जुलाई में लगा रही है, कितना लगा रही है? 7,000 लगा रही है। तो जुलाई टू यहां पर लिख देते हैं एडिशनल कैपिटल, ये कब से कब तक? तो जुलाई टू मार्च कितना? 9 months 60,000 है ना, 60,000 मल्टीप्लाई 8/100 मल्टीप्लाई 9/12, तो हो गया 3/4 = 3,600। अब इसका भी ड्राइंग्स है, कब इसने ड्राइंग्स किया है कैपिटल का? 1 January 2022 को विड्रॉल ऑफ कैपिटल, तो भी 1 January 2022 को, तो यहां पे लिख देते हैं ये ड्रॉइंग्स ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो जनवरी से जनवरी टू मार्च कितना मंथ हो गया भाई? तो 3 months ये इसका जो विड्रॉल ऑफ कैपिटल है कितना है? इसका है 15,000, ठीक है। तो 15,000 ये निकल रही है, तो अब क्या करेंगे? 15,000 मल्टीप्लाई एट बाय हंड्रेड मल्टीप्लाई थ्री बाय ट्वेल्व, तो 0,0,0,0 तीन से चार बार में, तो कितना हो गया ये? 300। इसका यहां पे 300 डिडक्ट कर देंगे, जैसे यहां पे 1200 डिडक्ट किया था ड्राइंग्स वाला कैपिटल, यहां पे 300 डिडक्ट करेंगे, 27,300 ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया किसका? तो सृष्टि का, ठीक है। ये एक आखिरी सवाल देखते हैं, इसमें भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही कैलकुलेट करना है। A and B started business on 1st April 2021 with capital of ₹60,000 and ₹40,000 respectively. A और B ने एक business start किया 1 April 2021 को, और उसमें जो capital है A का 60,000 और B का ₹40,000. A introduced ₹10,000 as additional capital on 1st October 2021. और फिर 1 October 2021 को A एडिशनल कैपिटल लगा रहा है, और कैपिटल लगा रहा है कितना लगा रहा है? 10,000 रुपया। दे विथड्रू ₹500 पर मंथ फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस इन लिव ऑफ प्रॉफिट, और वो लोग जो है पर मंथ ₹500 पर्सन यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए निकालते हैं, ड्राइंग्स करते हैं, और ये जो ड्राइंग्स है इन लिव ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के बदले ये ड्राइंग्स है, तो इसका कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं करेंगे हम कि ये जो 500 करके जो ड्राइंग्स पर मंथ ये लोग कर रहे हैं, तो उस ड्राइंग्स को कैपिटल से डिडक्ट करके तब उस कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, वो नहीं करेंगे। कैपिटल पे इसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है,
क्योंकि ये जो ड्राइंग्स है हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए इन लियू ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के बदले है, ठीक है। आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, तो 10% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो हमें साल उस साल 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले साल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो पहले ये क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल कैसे भी, तो एट द रेट ऑफ 10% पर एन। तो ए का कैपिटल ये तो पूरे साल था, तो इस पे पूरे साल का निकालेंगे 60,000 मल्टीप्लाइड 10/100 सीधा सीधा क्या हो गया, तो 6,000 रुपए ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और 10,000 वो जो लगा रहा है आगे चलकर, वो कब लगा रहा है, तो वो लगा रहा है 1 अक्टूबर। तो भाई इस पे कितने मंथ का, तो अक्टूबर से लेकर अक्टूबर टू मार्च अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इस पे 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। 6 मंथ है ना, अक्टूबर से मार्च तक 10,000 पे 10% इंटरेस्ट दिया जाएगा, लेकिन 6 मंथ के लिए, इसलिए 6/12 0000 ये कट गया 5, तो यहां पे हो गया 500, मतलब 6,000 और 500, मतलब अगर इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ, ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 6,500। और इंटरेस्ट ऑन बी कैपिटल ये तो आगे जाकर फिर लगा नहीं रहा है कैपिटल, जो कैपिटल शुरू में है बस वही कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन बी कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो इसका कितना कैपिटल है भाई, तो ये है 40,000। और तो इसका सिर्फ 40,000 पे ही 10% पूरे साल के लिए, मतलब इसे बी को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 4,000। तो ये हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट किया अलग अलग सवाल में, अलग अलग तरह के सवाल में, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।